हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि मैं स्पोक स्ट्रीम और हब से एक कंप्लीट 36 स्पोक व्हील बनाकर दिखाऊं। दोस्तों, जब हमें अपनी सिंपल साइकिल के फ्रंट या रियर व्हील में डिस्क ब्रेक लगाना होता है तो हमें वन साइडेड थ्रेडिंग वाला हब फ्रंट व्हील में और टू साइडेड थ्रेडिंग वाला हब रियर व्हील में लगाना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपने सिंपल साइकिल का हब चेंज करना पड़ता है। अपने सिंपल साइकिल के हब को चेंज करने के लिए हमें स्पोक्स हब और रिम से एक कंप्लीट व्हील बनाने आना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो दुकानदार के पास जाकर भी व्हील रेडी करा सकते हैं। वैसे पहले मैं भी दुकानदार के पास ही गया था, लेकिन अगर आपको 36 व्हील बनाने आता है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 36 स्पोक व्हील बनाने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 36 स्पोक रिम है, ये फ्रंट हब है और ये 36 स्पोक्स है और ये 36 स्पोक निपल्स। सबसे पहले हम साइकिल के रिम को देख लेते हैं। ये वॉल स्टेम होल है और ठीक इसके लेफ्ट में जो दूसरा होल है, इसमें टॉप बॉटम टॉप फिर बॉटम, इस प्रकार हम स्पोक्स लगाएंगे। हम ठीक इस होल से शुरू करेंगे जो वॉल स्टेम होल के लेफ्ट में है। अब हम इस हब को किसी भी पॉइंट से थ्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब ये स्पोक वॉल स्टेम होल के लेफ्ट में जाएगा, जो हमने पहले डिस्कस किया था, जहां लेफ्ट से हम शुरू करेंगे वहीं स्पोक को लगाएंगे। दूसरा स्पोक एक होल छोड़कर लगाएंगे, एक होल छोड़कर स्पोक डाल देंगे। अब हम स्टेम होल को छोड़कर काउंट करेंगे 1, 2, 3 और स्पोक को फोर्थ होल में डाल देंगे। फिर से हम हब पर एक होल छोड़कर स्पोक को डाल लेंगे, एक होल छोड़कर स्पोक को डाल लेंगे। फिर से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3 और फोर्थ होल में स्पोक को डाल देंगे और इसी तरह आगे भी लगाते जाएंगे जब तक हम 9 स्पोक्स न लगा लें। इस प्रकार हम 9 स्पोक्स लगा लेंगे। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, इस स्टेज में स्पोक्स के निपल को ज़्यादा टाइट ना करें। अब हम सब कुछ उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद एक चीज ध्यान दें, पहला स्पोक जो हमने वॉल स्टेम होल के लेफ्ट में लगाया था, अब वो राइट में हो गया है। एक नज़र हब को हम देख लेते हैं। ये हब का ऊपरी हिस्सा है जिसमें हम स्पोक्स लगाने वाले हैं। ऊपर से हम नीचे के होल्स को मिलाएंगे। तो यहाँ से हमने फर्स्ट स्पोक डाला था, ये फर्स्ट स्पोक हमने डाला था, ये वॉल स्टेम होल के लेफ्ट में जो था पहले, अभी राइट में है। ठीक इसके बगल में ये होल दिखाई दे रहा है, अब इसी में हम स्पोक डालेंगे। ये रहा यहाँ पर, ये ठीक पहले वाले स्पोक के पीछे है जहाँ से हमने स्पोक डालना शुरू किया था। फर्स्ट स्पोक के ठीक राइट में, तो ये स्पोक जो हम डालेंगे ठीक दूसरे साइड के स्पोक के पीछे या राइट वाले होल में डालेंगे, यानी इस होल में डालेंगे। ये हमने राइट होल में डाल दिया। अब ये स्पोक जो हम डालेंगे वो
पहले वाले स्पोक के ठीक राइट में डालेंगे। फिर से हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हब के ऊपरी साइड में एक होल छोड़कर स्पोक को डाल लेंगे। दूसरे साइड का जो स्पोक है ठीक उसके राइट में स्पोक को डाल लेंगे। फिर से एक होल छोड़कर स्पोक को डाल लेंगे और ये दूसरे साइड का जो स्पोक है ठीक उसके राइट में हम इसको लगा लेंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। ये देखिए बाकी के स्पोक्स भी लग गए और ठीक पहले वाले के राइट में लगाए हम। हब को हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में ट्विस्ट करेंगे। ध्यान दें ये स्पोक्स एक डायगोनल का आकार बनाते हैं। दूसरे स्पोक्स जो हम अब लगाएंगे उनको इस दिशा में नहीं इसके विपरीत दिशा में इस दिशा में लगाना है। अब आप किसी भी होल से शुरू कर सकते हो। अब ये स्पोक हब में नीचे से ऊपर की ओर आएंगे यानी इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर। लगे हुए स्पोक्स की दिशा इस तरफ का है। अब ये स्पोक जो हम लगाएंगे इसकी दिशा इस तरफ को होगी इधर को इधर को। ध्यान दे स्पोक्स को इस प्रकार लगाना है पहले ऊपर फिर ऊपर फिर नीचे उसके बाद एक होल छोड़कर दूसरे वाले होल में इस प्रकार। अब हम दूसरा स्पोक डाल लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम नजदीक से दिखाएंगे जरा। इसके बाद वाला जो स्पोक है यानी ये वाला इसके ऊपर से लेंगे फिर इस दूसरे वाला स्पोक इसके भी ऊपर से फिर जो थर्ड स्पोक है इसके नीचे से हम लेंगे। उसके बाद थर्ड वाले के बाद एक होल स्किप करके हम इसमें लगाएंगे इस होल में। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। इस साइड का पूरा होने के बाद हम सब कुछ उल्टा कर लेंगे। पहले से लगे हुए स्पोक्स इधर को है यानी क्लॉकवाइज। अब जो हम स्पोक लगाएंगे वो इधर को होगा यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर को एंटी क्लॉकवाइज। इस साइड भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे। हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आप कहाँ से शुरू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम नीचे से स्पोक्स को डाल लेते हैं। उसके बाद हम अभी रीजनल स्पोक्स जो है वो इस साइड को हेड कर रहे हैं। अब इसको हम लगाएंगे इसके ठीक इधर को लगाएंगे स्पोक्स को ठीक है। पहले ऊपर फिर ऊपर फिर नीचे फिर एक स्पोक छोड़कर उसमें लगाएंगे। दूसरा स्पोक हम डाल लेते हैं नीचे से। उसके बाद पहले स्पोक के ऊपर फिर दूसरा स्पोक है उसके ऊपर फिर थर्ड वाले स्पोक के नीचे चलेंगे इसको फिर एक स्पोक स्किप करके दूसरे वाले में टाइट कर देंगे। इसी प्रकार हम बाकी के स्पोक्स भी लगा लेंगे। पहले वाले के ऊपर दूसरे वाले के ऊपर थर्ड वाले के नीचे उसके बाद एक स्पोक छोड़कर हम
लगा लूँ और निपल भी टाइट करते जाएंगे। अगर आपने सही से लगाया है तो आपने थोड़ी बहुत जगह स्टेम होल के पास छोड़ी होगी ताकि आप साइकिल में हवा भर सकें। अभी हमारा व्हील रेडी हो गया है, इसको जो निप्पल्स है अब हम इसको टाइट करते जाएंगे। ये टाइट होने के बाद व्हील ओके हो जाएगा। अभी हमारा व्हील रेडी हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।